सुरक्षा के तहत बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने की मांग सदन के अंदर की गई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने रखा, लेकिन सरकार के मंत्री ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पेंशन नहीं बढ़ाई जा सकती है। सरकार के इस जवाब से बीजेपी विधायक नाराज हो गए। सदन में उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि मंत्री जी का उत्तर ठीक वैसा ही है जैसे हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गाया जाता है। सामाजिक पेंशन बढ़ाने की मांग, मांग पर सरकार ने खड़े किए हाथ, जवाब से नाराज हो गए बीजेपी विधायक। से अन्य राज्यों में भी तीनों श्रेणी के असहायों की सहायता करने में सरकारें उदार हैं, बिहार में मात्र 400 रुपए ही दिए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सदन के अंदर मांग की, कई राज्यों से तुलना कर इस राशि को बढ़ाने का हवाला दिया, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, सीमित संसाधन का हवाला देकर पेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिससे बीजेपी विधायक नाराज हो गए। से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा काफी बड़ी संख्या में लाभुकों को अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य योजना मद से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें कुल पेंशन राशि का 72% राज्य सरकार द्वारा स्वयं राज्य योजना मद से वहन किया जा रहा है। यह जो माननीय मंत्री जी का उत्तर हुआ, विस्तृत उत्तर हुआ, ये हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गाया गया। सरकार के जवाब से बीजेपी विधायक नाराज हो गए। बीजेपी विधायक की दलील है कि दिव्यांगों के लिए दिल्ली में 2,500 रुपए, हरियाणा में 3,000 रुपए, गोवा में 3,000 रुपए सहायता राशि दी जा रही है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी तीनों श्रेणी के असहायों की सहायता करने में सरकारें उदार हैं। बिहार में केवल 400 रुपए ही दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार सफाई दे रही है कि राज्य सरकार 95 लाख लोगों को सहायता राशि देती है। पेंशन या दूसरे सहायता राशि अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार सरकार नहीं दे सकती। केंद्र सरकार की तरफ से मात्र 28% ही सहायता राशि दी जा रही है, जबकि बिहार को 72% राशि देनी होती है। इस जवाब से बीजेपी विधायक नाराज हो गए और लगे हाथ विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेर लिया। चारों तरफ निराशा ही है और मैं समझता हूं कि सरकार की अब विफलता ही है कि उनके पार्टी के और उनके कुनबे के लोग भी काफी दुखी हैं। अब उनका पुराने सीनियर मेंबर है, उनके विषय में हम क्या कहेंगे। पुराने साथी हैं, पुराने विधानसभा के सदस्य रहे हैं, वर्षों से उनका राजनीतिक अनुभव है। सरकार भले ही सीमित संसाधन का हवाला देकर मांग को खारिज कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बहुत ही कम दे रहे हैं, महज 400 रुपए। और इस 400 रुपए से क्या होता है आप भी समझ सकते हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।